कटिहार के मदरसा शिक्षक लंबे दिनों से वेतन नहीं मिलने से परेशानी में हैं। अपनी परेशानी जताते हुए उन लोगों ने कहा कि नियमित रूप से वेतन नहीं मिल रहा है, साथ ही उन लोगों को अब तक ईपीएफ सुविधा का लाभ भी नहीं मिला है, जिससे वो लोग परेशान हैं। मदरसा शिक्षकों ने शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से गुहार लगाते हुए कहा कि जल्द कटिहार के जितने भी मदारिस असातिज़ा हैं उनका पेमेंट वक्त पे नहीं हो पाता है। एरियर पेमेंट के लिए 3 महीना से हम लोग का बिल स्थापना में पड़ा हुआ है। एक कंप्यूटर ऑपरेटर भी हम लोग को टरका देता है। तो हम लोग की मांग ये है कि हम लोग का पेमेंट वक्त पे हो। हम लोग का जो ईपीएफ स्कीम लागू किया गया है वो स्कीम के तहत ज़िला से मक्तूब निकलना चाहिए, लेटर निकलना चाहिए। हर ज़िला में लेटर निकल गया, अभी तक कटिहार का लेटर नहीं निकला है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 15 फरवरी 2011 के बाद ईपीएफ स्कीम का लाभ दिया गया है। जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनसे पूर्व जो भी शिक्षक बहाल हैं उनको इससे वंचित रखा गया है। हमारी मांग सरकार से ये है, हम तमाम सदर मुदर्रिसीन की मांग ये है कि हम लोगों के तमाम शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ दिया जाए, जैसे स्कूल के तमाम शिक्षकों को दिया गया है, बिना भेदभाव के। आज क्या कोई ज्ञापन भी सौंपेंगे क्या? नहीं, हम लोग एक वफ्द की शक्ल पे डीपीओ स्थापना से मिलेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर ये सौतेला व्यवहार क्यों है, हम लोग का पेमेंट हर मरतबा डिले क्यों होता है, इसका कारण तो साहब ही बताएँगे। सर परिचय जी, हम एजाज अहमद कासमी, प्रिंसिपल मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन दादनगढ़ बरारी।